छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है पहली लिस्ट। यहाँ पहली लिस्ट में बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से देवलाल ठाकुर को विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। देवलाल ठाकुर के नाम की घोषणा से जिले में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जसराज शर्मा ने बताया कि देवलाल ठाकुर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया के खिलाफ लड़े थे, जिसमें उन्हें 21,360 वोट मिले और तीसरे नंबर पर वोट हासिल करने वाले प्रत्याशी बने। कहा जा रहा है कि बीजेपी सीट को भारी मतांतर से जीत कर इतिहास बनाएगी। क्षेत्र में देवलाल ठाकुर का खासा प्रभाव है, जो कांग्रेस पर भी भारी पड़ने वाला है। विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पर नजर डालें तो देवलाल बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सभी वर्गों में उनका अच्छा पकड़ है और यदि यहाँ के मंत्री को यदि कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ देवलाल ठाकुर ही से। देवलाल ठाकुर जी युवा वर्गों में काफी लोकप्रिय है, साथ में वे जब से वे राजनीति में उतरे तब से वे गांव-गांव में जनता से भी अच्छा संपर्क में है और उनका व्यक्तित्व बोलिए चाहे हर क्षेत्र में बोलिए, उनका कार्य सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उनका योगदान अच्छा रहता है।